भाइयों एंड बहनों, बहुत दिनों बाद एंड आई नो भाई बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है अपने चैनल पे, क्योंकि भाई मैं थोड़ा बाहर भी था, थोड़ा काम में भी था और थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी। क्या वहाँ पे नहीं जाते हैं, रीजंस नहीं देते, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अक्टूबर 2024 में यानी कि इसी महीने में जितनी भी फिल्म रिलीज होने वाली है। तो मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं देव का रिव्यू। तो बिना अंडा एपिसोड को शुरू करते हैं। पहली फिल्म आती है स्काई फोर्स, जो की 2 अक्टूबर 2024 को यानी कि जो डेट चली चुकी है उसी डेट को एक फिल्म रिलीज होने वाली थी अक्षय कुमार की, जो कि पोस्टपोन कर दी गई है। जो कि हाँ, मैं मतलब फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि हाँ भाई फिल्म रिलीज नहीं हुई है, फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है। कब आएगी कुछ अता पता नहीं है। तो मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत लगाना, जो कि भाई अक्षय कुमार है, लगा भी सकते हो कि रियल बेस्ड स्टोरी है, ना ही कोई रीमेक है वगैरह वगैरह चीज। अब क्या देखते हैं भाई क्या ही होता है। और अगले वीक रजनीकांत एंड अमिताभ बच्चन सर की मोस्ट फेवरेट फिल्म बेटैया, जो कि भाई रिलीज होने वाली है 10 अक्टूबर 2024 को, जो कि एक्शन थ्रिलर फिल्म रहने वाली है। और ऐसे फिल्म की स्टोरी नॉर्मली है, ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाली जरूरत तो है नहीं, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा कुछ नया ट्रेलर में मुझे देखने को मिला, जो कि भाई इसके टीजर में हमें बताया गया था, यानी कि जो प्रीव्यू आया था उसमें बताया गया था कि भाई जो रजनीकांत सर का जो कैरेक्टर है, जो कि पुलिस वाला है, किसी भी गुंडे मवाली को कहा भी ठोक दे रहा है विदाउट एनी परमिशन वगैरह वगैरह चीजें। और भाई हाँ, एक क्राइम थ्रिलर फिल्म टाइप दिख रही है, क्राइम हुआ है, अब कौन है किसी को भी नहीं पता है, हाथ फासिल भी है इसमें, राणा दगुबती भी है, यानी कि अच्छी खासी कास्ट है फिल्म की, ठीक है। देखने जैसा होगा, फिल्म का बजट भी ज्यादा नहीं है, कुछ 150 से 200 करोड़ के अंदर अंदर ही है। और इतनी अच्छी कास्ट के होने के बावजूद भी इतना अच्छा बजट है, तो क्या देखने जैसा होगा। बाकी तुम्हारे पेरेंट्स बताओ क्या बेटैया के लिए तैयार हो या नहीं। फिर उसके अगले ही दिन 11 अक्टूबर 2024 को 3 से 4 फिल्म है, तो एक एक करके पहले तो बात कर लेते हैं। 11 अक्टूबर 2024 को पहले फिल्म जो रिलीज होगी, जो की है विकी विद्या का वो वाला वीडियो, जिसके डिटेल में देखने मिलेंगे राजकुमार राव एंड साथ ही साथ त्रिपुरी में। इस फिल्म का भाई कंटेंट थोड़ा कुछ अलग है, ठीक है। इस फिल्म की स्टोरी ऐसी है कि भाई विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में बहुत रात दिखाई जाती है, जाते ही दोनों कुछ करते हैं, क्या करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतने तो नादान नहीं हो, ठीक है। जहाँ इसका एक वीडियो शूट किया जाता है और वो भी चोरी हो चुका है, और जो भी कुछ चीजें होगी तो फिल्म में बताई जाएगी, तो क्या देखते हैं भाई क्या ही होता है। फिर उसी दिन एक और फिल्म, जो कि भाई मोस्ट वीडियो फिल्म इंडिया की, बैड एस रवि कुमार, जो भाई हमारे हिमेश रेशमिया की मोस्ट वीडियो फिल्म बैड एस रवि कुमार उसी दिन रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी पोस्टपोन कर दी गई है। 2 साल पहले इसका अनाउंसमेंट टीजर, ऑफिशियल अनाउंसमेंट टीजर आया था 3 मिनट के आसपास, भाई मतलब बंदे ने फाड़ के रख दिया। मैं बता रहा हूँ जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी ना, 4 अंक के मतलब बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड आएंगे, ये लिख के ले लो। खैर मैं जाना नहीं चाहता वहां पे, लेकिन भाई अगर मैं बोलूंगा तो रोस्टिंग शुरू हो जाएगी, एंड देन यू नो बकलोली चीजें हैपेंस, ठीक है भाई। खैर वहां पे जाना नहीं चाहता। लेकिन फिर उसी दिन 11 अक्टूबर 2024 को आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म जिगरा रिलीज होने वाली है थिएटर्स में 11 अक्टूबर 2024 को, क्योंकि एक्शन थ्रिलर टाइप की फिल्म है, जो कि सामने ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है ये फिल्म में। भाई फिल्म की स्टोरी जो कि भाई बहन के प्यार के ऊपर है, भाई बहन कैसे अपने भाई को सिंगापुर की जेल में से छुड़ाती है, बहन कैसे तैयारी कर रही है इंडिया में, भाई कैसे वहां पे फंसा है, क्यों फंसा है वगैरह वगैरह चीजें हमें फिल्म में दिखाई जाएगी। ट्रेलर देख के थोड़ा कुछ ऐसा लगा कि भाई ड्रग के हिसाब से कुछ फंसा होगा बंदा, लेकिन क्या देखते भाई ट्रेलर लुक्स वेरी गुड, मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा। और भाई इनके जो डायरेक्टर है वसंत बाला, मतलब ही इज अ जैम भाई, इंडियन सिनेमा के जैम है बंदे ने, कितनी अच्छे से फिल्म बनाई है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या उसी दिन फिर एक और फिल्म रिलीज होने वाली है, साउथ की मतलब मोस्ट अवेटेड तो नहीं, लेकिन हाँ एक फिल्म तो रिलीज होने वाली है मार्टिन, जो कि भाई जिसके लीडर में दिखने मिलेंगे रुआ सुरजा, हाँ यही कोई प्रोनाउंसिएशन है, देखो इधर उधर हो जाए तो देख लेना, ठीक है। रुआ सुरजा जो कि लीड रोल में देखने मिलने वाले, ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रहने वाली है, जो कि इसकी स्टोरी ऐसी टेक प्लेस करती है कि जो मार्टिन जो बंदा है, जो कि पाकिस्तान की जेल में अब बंधा हुआ है, वो पाकिस्तान गया होगा कुछ काम से, तो अभी वो बन चुका है, अब वो वहां से कैसे निकलेगा, वहां की मतलब गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी मार्टिन के ऊपर, और जो भी कुछ चीजें होगी इंडिया से जो भी कुछ लोग आएंगे उसे बचाने के लिए, ये मतलब एक गैंगस्टर टाइप की फिल्म है, बंदे का लुक देखो भाई फिल्म में मतलब एकदम रोला टाइट कर लेता है। खैर मैं इस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही लगा, ठीक है। अब खैर देखते हैं, मुझे लगता है इसका ऑफिशियल फाइनल ट्रेलर मुझे लगता है इसी वीक में आ जाना चाहिए, ऐसे कहा जा रहा है, तो खैर देखते हैं। उसके थोड़े कुछ दिनों बाद यानी कि 15 अक्टूबर 2024 को एक हॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज होने वाली है, द रेड वन, जिसकी लीड रोल में हमें देखने मिलने वाले हैं ड्वेन जॉनसन एंड साथ ही साथ हमारे क्रिस इवांस मार्वल के हमारे कैप्टन अमेरिका। खैर भाई मोस्ट ऑफ जाता हूँ मैं जब भी 20 बंदे का नाम लेता हूँ, खैर वहाँ में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ फिल्म एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, चूंकि भाई मुझे पर्सनली ट्रेलर बढ़िया लगा, मतलब इसके एक्शन सीक्वेंसेस, इसके जो भी कुछ कॉमेडी डायलॉग्स है, वन पंच लाइंस काफी बढ़िया थे, और पर्सनली भाई ड्वेन जॉनसन एंड क्रिस इवांस की केमिस्ट्री लुक्स डैम गुड। अब खैर देखने जैसा होगा फिल्म कैसी निकल के आती है। बाकी फिल्म का ट्रेलर तो जैसे कि मैंने कहा बढ़िया है। बाकी तुम्हारा फ्रेंड्स बताओगे तुमने इसका ट्रेलर देखा है तो तुम्हें कैसा लगा ये ट्रेलर,
पता चल रहे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर उसके थोड़े कुछ दिनों बाद यानी कि 18 अक्टूबर 2024 को रिलीज होने वाली है जो कि इंडियो जापानीज फिल्म है, तुम्हें पता चल ही होगा मैं किसी बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, जो कि भाई अच्छी खासी इंडियो जापानीज फिल्म है, जो कि इसका एनिमेशन काफी बढ़िया है। स्टोरी क्या ही होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, स्टोरी पता है तो हमें यही एनिमेटेड वर्जन में दिखाया जाएगा थिएटर्स में, हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु में ये फिल्म रिलीज होगी। बाकी जरूर से चेकआउट कर लेना भाई, फिल्म काफी बढ़िया है। ठीक है, फिल्म का ट्रेलर मुझे काफी बढ़िया लगा और मैंने ये फिल्म देखी भी है, मतलब थोड़ी कुछ महीनों पहले ही देखी थी। फिल्म लुक्स वेरी वेरी गुड, और जो कह रहे थे ना कि भाई आदि पुरुष ने इसी फिल्म से एडप्शन लिया है, ओम राउत जी अब तो सुधर जा मेरे भाई, अब तो सुधर जा। ठीक है, क्या वहाँ पे जाना नहीं चाहता। फिर उसके अगले ही वीक रिलीज होने वाली है सोनी एंड मार्वल का मोस्ट वेटेड फिल्म वेनम की ट्रियोलॉजी का लास्ट फिल्म, यानी कि वेनम द लास्ट डांस, जो कि रिलीज होने वाली है, जिसके लीड रोल में हमारे टॉम हार्डी है आ रहा है थिएटर्स में उसकी आखिरी वेनम फिल्म लेके। अब खैर दिन जैसा होगा, और इसका विलन कुनल तो नहीं है, कुनल नहीं है, कुनल सिर्फ इसको भाई इंट्रोड्यूस किया गया है ट्रेलर में, और ये लिख के ले लो पूरी की पूरी फिल्म में नहीं रहेगा। और भाई आ गया माँ कसम मजा आ जाएगा, अगर पूरी की पूरी फिल्म में 2 मिनट भी दिखा दिया ना बंदे को, लिख के ले लो भाई पूरी पूरी फिल्म में नहीं रहेगा ये, भले ही इस बंदे को ट्रेलर में दिखा दिया गया है। ये बंदा आएगा हमारे पोस्ट क्रेडिट सीन में, अब देखने जैसा होगा, मतलब बंदा फाड़ के रख देगा, ये कितना ही बड़ा विलन है, कैसे लड़ेगा, मैडम वेव आएगी तो मतलब पूरे का पूरा पानी निकल जाएगा बंदे का। ठीक है भाई जाने दो, ठीक है स्पाइडरमैन भी नहीं रोक सकता, स्पाइडरमैन वेनम भाई इसको लाएंगे तुम लोग मारने के लिए, ठीक है नल है वो बंदा। खैर भाई सोनी की बगलोली चीजें लुकती ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके अगले वीक यानी कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और लास्ट दिन एक ही फिल्म बची हुई है, जो कि भाई लकी भास्कर, जिसके लीड रोल में मिलने वाला है दुलकर सलमान, जिसको भाई क्राइम थ्रिलर फिल्म है। एक टीजर 5 महीने पहले रिलीज किया गया, जिसको 2-3 बार पोस्टपोन किया गया, इसलिए 5 महीने पहले टीजर रिलीज किया गया था, 1-1.5 महीने में ही आ जाने वाली थी, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि भाई बड़ी बड़ी फिल्म के बीच में आ रही थी। और अब ये आखिरी डेट बची है भाई अक्टूबर 31, आखिरी नहीं मतलब इसके बाद भी होगी, नवंबर दिसंबर पड़ा हुआ है। खैर देखते, मुझे लगता है ये वापस पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि भाई जिस दिन ये रिलीज होगी उसके अगले दिन सिंघम अगेन एंड भाई भूलभुलैया 3 थिएटर्स में आ जाएंगे, इसको स्क्रीन ही कहाँ से मिलेगी। ठीक है, खैर देखते हैं भाई क्या ही होता है, बाकी मुझे इतनी कुछ एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, लेकिन खैर देखते हैं भाई। तुम तो मेरे पेरेंट्स बताओ तुम्हारी कौन सी मोस्ट अपडेटेड फिल्म है इस लिस्ट में से, जो भी अक्टूबर में फिल्म आने वाली है, तुम जाते जाते मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। और क्या हॉट सेंड विचार है वेनम कुनल, खैर भाई देखते हैं क्या ही होता है, बाकी तुम तो मेरे पेरेंट्स बताओ। ठीक है, बाकी अगर चैनल पर नहीं हो तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कुनल को फिल्म में नहीं दिखाया जाएगा, जो कि जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, मिलते हैं लोगों में, बाय।